નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ચિત્રલેખા ડોટ કોમ ની આ વિશેષ શ્રેણી એટલે કે ગુડ વાઇબ્સ. જી હા, કોરોનાના સમયકાળમાં આપણને માનવી ધોરણે અનેક પ્રકારની કથાઓ, ઘટનાઓ, પ્રસંગો જાણવા મળ્યા છે. કેટલીક ઘટનાઓ એવી છે કે ક્યારેક ધૃણા ઉપજાવે છે માનવી વર્તન ઉપર, પણ એવરી ક્લાઉડ હેઝ એ સિલ્વર લાઇન. કેટલીક ઘટનાઓ એવી હોય છે કે જે આ કપરા કાળમાં પણ આપણને અનેક પ્રકારની રાહત આપતી હોય છે, એક શાતા આપતી હોય છે. આવી જ આ શ્રેણી એટલે ગુડ વાઇબ્સ, જેમાં અમે આપને જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ કેટલીક એવી વાતો કે જે દિલને ઠંડક આપે, જે આશ્વસ્ત કરે આપણને કે ના, માણસાઈ હજુ મરી પરવારી નથી. આવી જ શ્રેણીમાં આજે આપણે એક એવી શખ્સિયત સાથે વાત કરવી છે કે જે બોલિવૂડમાં ખૂબ જાણીતું નામ છે, પણ આજે એની વ્યક્તિત્વની બીજા પાસાની ઓળખ આપણે કરવાની છે. એ શખ્સિયતની સાથે આપણે રૂબરૂ મુલાકાત કરીએ એ પહેલા આઈ વુડ લાઈક ટુ પ્લે અ સ્મોલ વિડીયો. આપણે એક નાનકડો એવો વિડીયો જોઈએ અને એના પછી આપણે એની સાથે પરિચય કરીએ. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ટેક વિડીયો. બોલિવૂડની જાણીતી અભિનેત્રી રાજશ્રી દેશપાંડેની એંગ્રી ઇન્ડિયન ગોડેસ પાન નલિનની આ સર્જનમાં લક્ષ્મીના પાત્રથી અત્યંત જાણીતા બનેલા નંદિતા દાસની મંટોમાં ઇસ્મત ચુગતાઈનો રોલથી પોતાની અભિનય ક્ષમતાના પરિચય કરાવનાર અને આવી અનેક જાણીતી ફિલ્મો અને વેબ સિરીઝમાં કામ કરનાર રાજશ્રી દેશપાંડે આજે આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે. સૌ પહેલા તો એમનું સ્વાગત કરીએ. રાજશ્રીજી નમસ્કાર. ચિત્રલેખા ડોટ કોમ સિરીઝ મેં આપકા સ્વાગત હૈ. અભી અભી હમ હમારે દર્શકો કો બતા રહે થે કિ કિસ તરહ સે આપકી એક વિડીયો ભી હમને દિખાઈ જો સ્કૂલ કે બચ્ચો કે સાથ આપ પ્લે કર રહી હૈ. તો વૈસે તો મતલબ બોલિવૂડ મેં આપ આઈ બહુત હી કમ સમય મેં આપને અપના અભિનય ક્ષમતા સે અપના એક સ્થાન બોલિવૂડ મેં સુનિશ્ચિત કિયા. રિસન્ટલી નંદિતાજી કી ફિલ્મ મંટો મેં ભી આપને ઇસ્મત ચુગતાઈ કા કિરદાર નિભાયા. અપને અભિનય સે તો મતલબ આપ દર્શકો મેં એક ઉસકા પ્યાર જીત પાઈ, લેકિન ઇસસે ભી જ્યાદા આજકલ આપ અપને કામ સે મતલબ જો એક આપકી અલગ છબી હૈ પરદે કે બહાર, अपना सोशल कंसर्न है, गांव में जाके आप काम कर रही है स्कूली बच्चों के साथ, मराठावाड़ा में पांधरी गांव में जो आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जो काम किया है, सबसे पहले ये बताए ना मुझे कि एक तरफ एक ग्लैमर है, एक सिनेमा है, ग्लैमर है, वहां से जाके इतनी धूप में गांव में जाना, काम करना, गांव लोगों के बीच रहना, કેસે ખ્યાલ આયા કે યહાં જાના ચાહીએ ઓર યે કામ કરના ચાહીએ? વોટ પ્રોમ્પ્ટેડ યુ ટુ ડુ ધીસ?
सबसे पहले तो धन्यवाद केतन जी, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर और आपने इतनी सराहना की मेरे सिनेमा के किरदारों के बारे और पर एक बात कहना चाहती हूँ मैं कि मैं कोई भी किरदार होने के पहले मैं सबसे पहले एक इंसान हूँ और मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने इंसानों के प्रति काम करती रहूं और काम करूं और करती रहूंगी। जब सिनेमा में हम इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे एंग्री इंडियन गॉडेसेस में हुआ जहां हम औरतों के शोषण के बारे में बात की है, इश्यूज के बारे में बात की है, उसके बाद मंटो में जब इसमें चुपताई जिन्होंने अपनी पूरी जीवन भर औरतों के लड़ाई के लिए लड़ी है वो, और या दुर्गा हो या अगर आप सेक्रेड गेम्स की सुभद्रा देखो, एक हर एक किरदार की एक अपनी जर्नी है और ये जर्नी कोई नई नहीं है, हम इनको जानते हैं। हम लक्ष्मी को देखने के बाद हमें पता है कि हमारी भी जिंदगी में एक लक्ष्मी है, हमारे जिंदगी में भी एक किस्मत है, हमारे जिंदगी में भी सुभद्रा है या दुर्गा है। तो ये करते करते मैं खुद को दूर नहीं कर पाती हूँ समाज की आज की घड़ी से। तो पर क्या हो जाता है कि सिनेमा की एक अपनी जर्नी होती है, जैसे कान में मंटो जाती है या टोरंटो में एंग्री इंडियन गॉडेसेस जाती है, पर मराठवाड़ा में एंग्री इंडियन गॉडेसेस नहीं जा सकती है या दुर्गा नहीं पहुंच पा रही है। तो मेरी जो एक लड़ाई है वो मैं सिर्फ एक रेड कार्पेट पे शुरू करके वही खत्म नहीं करना चाहती। मेरी लड़ाई या मेरा जो मैं जो चाहती हूँ कि मेरे समाज में वो बदलाव आए, तो अगर मेरा सिनेमा या मेरी कहानी वहां तक नहीं पहुंच रही है तो मैं खुद पहुंचूंगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं अलग अलग नाम हूँ पर मैं राजश्री हूँ जो अलग अलग जगह पे तो जा सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने काम करना शुरू किया। तो अब चल रही है जर्नी, काफी काम है सोशल वर्क में और इवन सिनेमा में भी बहुत ऐसे किरदार है जो निभाने हैं, जो कहानियां बतानी है। राइट, लेकिन आपके फैमिली में से कोई मतलब इस सोशल वर्क से जुड़ा हुआ था, या मतलब ऐसी कोई घड़ी या ऐसी कोई मोमेंट थी जब आपको लगा कि यू नीड टू गो ऑन ग्राउंड, कि मतलब सोशल वर्क में आपको जाना चाहिए, जिस तरह से आपने बताया कि वो जहां तक किरदार नहीं पहुंच चाहे आपको खुद पहुंचना है। मुझे ऐसा मतलब अगर वैसे देखा जाए तो घर में मेरे ख्याल से सभी के घर में वो आत्मीयता होती है अपनी। मैं मेरी माँ को देखती हूँ, हर एक चीज में उन्होंने लोगों की भलाई के लिए काम किया, जितना था उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करके हमें बढ़ाया, पढ़ाया हमको। तो ये जो बात होती है ये हर एक के घर में होती है। अगर हम हमारी माँ और दादा और दादियों को देखे जाए तो वो पहले से ही है, सबके घर में है। ये मेरे खुद के घर में नहीं बोल रही हूँ, सबके घर में है कि हमने हमेशा अपने आसपास वालों की को साथ में रख के काम किया है। अगर हम पुराने जमाने में देखा जाए तो लोग एक साथ, हर रिलीजन हर कम्युनिटी एक साथ बैठ के हर एक चीज सेलिब्रेट करता था, साथ रहता था, घर आस पास थे, छतें मिलती थी लोगों की। तो बस आज ये हुआ है, तो आज ये हुआ है कि छतें जरा दूर हो गई है, कम्युनिटी में थोड़े बहुत दरारें हो गई है, रिलीजन और बाकी चीजों के इसमें भी कुछ दरारें हो गई है। इस वजह से शायद हमारी जो जनरेशन है उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है उसमें आने के लिए। चलो मैंने क्योंकि मैं एक ये है कि मैं 9 to 5 के जॉब में नहीं हूँ, मैंने आज ये प्रोफेशन चूज किया है जहाँ पर मैं मेरे हिसाब से स्क्रिप्ट चूज करती हूँ, मैं मेरे हिसाब से काम करती हूँ। और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा है कि आप 365 दिन का बिजी नहीं रहते हो, मतलब उतने में बहुत वक्त मिलता है। तो मैं अगर
अगर वैसा देखा जाए तो मैं मेरा वक्त बाकी चीजों में ना लगा के, मतलब सोशल मीडिया या नेटवर्किंग इन चीजों में ना लगा के, मेरा ज्यादा से ज्यादा वक्त मैं मेरे सोशल वर्क में देती हूँ और बाकी वक्त में मैं शूट करती हूँ. तो आपको मैं बम्बई की गलियों में कम, या आपको मैं बम्बई की गलियों में कम और गांव की गलियों में ज्यादा पाई जाऊंगी. तो राइट, सही बात है. इसके पहले कि हम आपके सोशल वर्क के एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछे, एक हमारे पास आपकी एक छोटी सी वीडियो क्लिप आई है जहां आप गांव में बच्चों के साथ काम करती है. मैं चाहता हूं हमारे दर्शकों को पहले वो दिखाए, फिर आपसे बात करते हैं. जी राजश्री, हमने देखा किस तरह से आप बच्चों के साथ, गांव लोगों के साथ खेतों में, नदी में, तालाब में काम कर रही है इतनी धूप में. कैसा रहा एक एक्सपीरियंस? एक कंफर्ट जोन है बम्बई में, एक बॉलीवुड में कंफर्ट जोन है, ये सब चीजों को छोड़ के गांव में जाना. खास करके मैं जानना चाहता हूँ पांधरी गाँव में, मराठवाड़ा में जो आपने काम किया है, इसके बारे में कुछ अपने अनुभव शेयर करो ना. ये अभी गांव में वापस जाना, मतलब एक्चुअली मैं खुद गांव से आई हूँ, तो मेरा कंफर्ट जोन शायद मुझे गांव में ज्यादा हो सकता है. कभी कभी मैं बम्बई जैसे शहरों में थोड़ी ब्लैंक हो जाती हूँ, पर गांव में मुझे मेरा इलाका लगता है जहां पर. तो मैं मराठवाड़ा के गांव में ही पली बड़ी हूँ, तो मेरे लिए कोई नया इलाका नहीं है वो. मेरे पिताजी खुद फार्मर थे एक वक्त में, तो मैं फार्मिंग से भी काफी जानकारी रखती हूँ फार्मिंग के बारे में. और अभी आपने जो फोटोग्राफ्स दिखा है, तो सबसे पहला जो फोटोग्राफ था, तो ये सारे फोटोग्राफ्स थे 5 साल पहले मैंने पानी पे काम किया था, जिसमें हमने वाटर इरिगेशन, मतलब रिवर रिवाइवल का काम किया था. तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने खुद इनिशिएटिव लिया था, और मैंने गांव वालों को इकट्ठा करके, मतलब संगठित करके, मैंने 50 फार्मर्स थे मेरे साथ, और कुछ 15 दिन बचे थे मॉनसून के लिए. और उस वक्त में हमने बहुत ही मेहनत करके, इतनी धूप थी उस वक्त, लगभग 46-47 डिग्री टेम्परेचर रहा होगा, और मेरे सारे 50 फार्मर्स एक साथ मिलके उन्होंने वो काम किया. और मुझे उन सब पे नाज है, क्योंकि ये काम का क्रेडिट मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दे सकती हूँ, क्योंकि इतनी मेहनत करके किसी भी, मतलब कोई चीज का मुबदला नहीं मिल रहा है. सिर्फ एक है कि इसके वजह से हमें पानी अपने गांव में आ जाएगा, और नदी अगर पुनर्वसित हो गई तो हमारे साल दो साल के पानी का जो इश्यू है वो खत्म हो जाएगा. और इसके ऊपर एक लड़की जो कहीं गवर्नमेंट से नहीं है, कहीं उस वक्त मेरी एनजीओ भी नहीं थी, तो एक लड़की ऐसे ही चल के आई है, और वो सिर्फ लोगों को बोल रही है कि अगर हम लोग पानी पे काम करेंगे तो आपके पानी की समस्या हल हो जाएगी. और इस बात पे उन लोगों ने एक 5 पहले तैयार हुए थे, फिर 10 हुए, फिर 15 हुआ, ऐसे करते 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 3 महीने में 50 फार्मर्स हुए, और हमने 15 दिनों में वो नदी जो आपने फोटोग्राफ दिखाया था उसको हमने पुनर्जीवित किया था. तो बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था, बहुत लर्निंग था मेरे लिए. मैं तो मेरे पास कोई ऐसा कैसे पानी पे काम करना है पता नहीं था, तो मैं काफी कुछ एनवायरमेंटलिस्ट को मैंने चेक किया, मैंने उनको इन्वॉल्व किया इसमें. तो एक फोटोग्राफ है जहाँ पर डॉक्टर गोखले है, वो पानी पे काम करते हैं, जलयोद्धा है वो,
राजेंद्र सिंह जी के साथ भी काम करते हैं। मैं भी अभी राजेंद्र सिंह जी के साथ काम करती हूँ। तो वो गांव आए थे, उन्होंने गांव में बताया कि सॉइल के ऊपर किस तरीके से काम करना है, और हमारे सॉइल के ऊपर जिस तरीके से हम लोग पेस्टिसाइड या ट्रैक्टर या इस वजह से जो हमने वो जो बिगाड़ा है उस चीज को हम किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो काफी वर्कशॉप हमने फार्मर्स के साथ किया था, क्योंकि मराठवाड़ा में मेजर पेस्टिसाइड्स और केमिकल के वजह से सॉइल बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। तो इसको हम सुधारने की अभी कोशिश कर रहे हैं। तो एक दो साल में तो नहीं होता है, पर अभी हमारी सॉइल एक 5 साल के इसमें काफी ठीक है, और काफी लोग ऑर्गेनिक भी फार्मिंग करना शुरू किए। तो वो सारे पिक्चर्स वहां के थे। और राइट, मतलब जिस तरीके से आप जो हम बात कर रहे हैं, हम साथ साथ एक पूरा विश्व एमिड दिस पेंडेमिक पर्यावरण दिन भी मना रहा है। क्या लगता है आपको कि मतलब जिस तरह हम एक सिंबोलिकली हर साल 5 जून को एक पर्यावरण दिन मनाते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिस तरह से कोरोना में भी हमने देखा है कि एयर पोल्यूशन रिड्यूस होने की वजह से जिस तरह से एक पर्यावरण को एक फायदा हुआ है, इस पर्यावरण के टास्क को आप कैसे देखती है? मतलब किस तरीके से हमें वी शुड गो फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, क्या करना चाहिए हमें? सच बताऊं, हर एक इंसान ने इस पे काम करना चाहिए, हर एक इंसान ने, क्योंकि हमने इतना डैमेज किया है अपने पर्यावरण को, बहुत ज्यादा, और इसमें हम सब दोषी है। मतलब कोई अगर बोले कि मैं तो प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करता, मैं तो थूकता नहीं हूँ, मैं तो ये करता नहीं हूँ, मैं तो वो नहीं करता, ये गलत है। हम सब उसके आदि हो गए हैं, हम हर चीज के आदि हो गए, और हमें ही इस चीज के बारे में सोचना होगा कि हमारी एक गलती कितना कुछ कर सकती है, क्योंकि एक एक एक, एक छोटा 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 करके ये बहुत बड़ा ये हो गया है, पर्यावरण का एक ब्लंडर हो गया है, और उसको हमें ही सुधारना होगा, हमें ही कॉन्शियस डिसीजंस लेने होंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि अच्छा फिर अल्टरनेटिव क्या है। अरे अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं अगर हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करें, जिसके लिए हमें खुद ही उन्हें तराशना होगा, हमें खुद अपने जो बिहेवियर है उनको चेंज करना होगा, हमें खुद मिनिमलिस्टिक जो एक जीवन है उसके बारे में सोचना होगा, हमें खुद वो चॉइसेस लेने होंगे जहां पर हम किसी और को भी हार्म नहीं कर रहे, एनिमल्स को भी हार्म नहीं कर रहे, अपने पर्यावरण को भी हार्म नहीं कर रहे, और हम खुद को भी अब्यूज नहीं कर रहे हैं इन सारी चीजों के। तो हमें खुद को वो कॉन्शियस डिसीजन लेना ही होगा। और आपने जो बोला कि कोविड में ऑफकोर्स एक मतलब किसी ने मुझे ऐसे ही बोला था कि देखो फोर्स क्यों ना, एटलीस्ट फोर्सफुली क्यों ना हो, पर्यावरण पे काम हो गया है। तो वही एक कि मुझे जो लगता है कि फोर्सफुली हुआ है, ऑफकोर्स कोविड होना मतलब ये जो है वो डेफिनेटली बहुत ही भयानक और दर्दनाक चीज है हमारे सबके लिए। फोर्सफुली हम लोगों मतलब जो लोगों ने बोला है कि फोर्सफुली हम लोग घर के अंदर है, एटलीस्ट इसके वजह से पर्यावरण ठीक हो रहा है, पर ऑफकोर्स ये ना हो, पर उसके अलावा अगर हम लोग जिम्मेदारी ले हमारे खुद के पर्यावरण की, हमारे आस पास की, जरूरत नहीं हमें दूर कहीं जाना है, हमें अपने आस पास की अगर चीजें हैं उनके बारे में उनका भी ख्याल रखे तो भी बहुत हो जाएगा। सही फरमाया आपने कि हम सबको एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हम सबको एक एनवायरमेंटल वॉरियर बनना पड़ेगा। राजश्री जी, आपने इस दौरान अपनी जो सामाजिक निस्बत है वो निभाते हुए कोरोना के समय काफी कुछ लोगों के बीच जाके काम किया है, एक तरह से एनवायरमेंट वॉरियर तो आप है ही, इस समय आप कोरोना वॉरियर भी बनी हुई है,
इस काम के बारे में बताएं ना, आप किस तरह से लोगों के बीच में जाइए, और आपका जो फाउंडेशन है नपांगण फाउंडेशन, वो किस तरह से ये कोरोना पेंडेमिक के बीच लोगों को मदद करने में जुटा है? कोरोना की मैं 2 महीने पहले 3 महीने पहले मैं स्कूल में काफी बिजी थी. हम एक स्कूल बना रहे हैं गांव में, पांडरी गांव में, उसमें हम लोग काफी बिजी थे और सडनली कोरोना का लॉकडाउन शुरू हो गया. हमें हमारा काम रुकाना पड़ा और हमारे जो लेबर्स थे उनको हमने ये करके हमने स्टॉप करके हमने उनको बोला कि वी हैव टू स्टॉप इट फॉर सम टाइम और हम लोग कुछ वक्त के बाद इसे शुरू करते हैं. पर बाद में देखा काफी काफी केओस हो रहा था. अगर आप देखे जाए तो फैक्ट्रीज हो सब कुछ ही बंद पड़ गया था और जितने सारे वर्कर्स थे, हमारे माइग्रेंट भाई बहने हैं, वो सब गाँव की तरह वापस जा रही थी. अभी लॉकडाउन के वजह से अगर कितना लोगों ने स्टॉक किया था राशन पता नहीं. तो इस वजह से हमने शुरुआत की राशन से कि भाई खाने पीने की किसी को दिक्कत ना हो. और अगर कहीं कहीं जगह पे दाल और चावल अपना मिल रहा है तो गेहूं आटा और ये सारी बाकी की जो चीजें हैं जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है खाना बनाने के लिए, हमने राशन 22 गाँव में अब तक राशन दिया. पर उसके साथ साथ बॉम्बे में भी हमने काफी जगह पे ट्रांसजेंडर और सेक्स वर्कर्स जो कम्युनिटी है उनको हमने काफी सपोर्ट किया. पर गांव में मेजर मैंने ज्यादा ये किया क्योंकि एक तो वहां पे ऑलरेडी मेरे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं और उनके साथ मैंने ये भी देखा कि गांव में इसके अलावा भी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है. जैसे अभी लोग जब वापस आ रहे हैं गाँव में तो एक तरह का डर बैठा हुआ है और वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो लोगों में और उनके लिए मेडिकल फैसिलिटीज इमीडिएटली हो, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं. हमारे वॉलंटियर्स घर घर जाके राशन देते हैं तो घर वालों को बाहर ना आना पड़े. जितने भी एल्डरली लोग हैं उनको वो समझा रहे हैं कि आपको किस तरीके से रहना है. कुछ गांव में उन्होंने ऐसा किया कि उनके जो हेड है गांव के, उन्होंने अपने गांव में एक टीम मुहैया की और उस टीम ने पूरे गांव में जो जो चीजें हो रही है उसके हिसाब से काम किया. तो उसमें क्या हुआ कि एक साथ मैं 22 गांव में काम कर सकी और उसके अलावा हमने 22 गांव को साफ किया क्योंकि जितना अपना परिसर हम लोग साफ रखे उतने अब जैसे पानी आ जाएगा तो मच्छर ना बैठे, या अपने आसपास में सैनिटाइज करके रखे, ग्लव्स अपना सॉरी मास्क का इस्तेमाल करे तो मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए. हमने सारे इसेंशियल जो जगह है जैसे पुलिस स्टेशन हो, बैंक हो, छोटे छोटे शॉप्स हो, जो इसेंशियल शॉप्स खुले थे उन लोगों को हमने मास्क दिया, उन लोगों को समझाया कि मास्क और सैनिटाइजर का किस तरीके से इस्तेमाल करना है. और अभी काम नहीं है, फैक्ट्रियां बंद हो गई है, काफी लोग शहर से गांव आ रहे हैं. तो अगला पड़ाव ये होगा कि कोविड के बाद क्या, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमें किस तरीके से हमारे यूथ को, हमारे बच्चों को हम किस तरीके से इंगेज कर सकते हैं और किस तरीके से उनको सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं कि जब वो अपने गांव में बैठ के अगर कुछ काम धंधा शुरू कर सके तो वो क्यों गांव छोड़ के जाएगा. तो हम ये भी प्लानिंग कर रहे हैं हमारी टीम कि हम आगे इसके क्या कर सकते हैं जिसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग के भी नॉर्म फॉलो करें और हम उनको अपने पैरों पे खड़ा भी करें वहीं पर, तो आगे का वो जो अपना फ्यूचर है वो अच्छी तरह से निभा सके. तो यही है छोटी छोटी चीजें जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं. तो हम लोग जो है हम लोग काम कर रहे हैं, छोटा बहुत अपना योगदान दे रहे हैं, पर बहुत बड़ा काम होना जरूरी है, बहुत ज्यादा काम होना जरूरी है जिसपे मास लेवल पे काम हो और हर एक इंसान इससे जुड़ा रहे तो ही हम हमारे गांव को एक समृद्ध गांव बना सकते हैं, सेल्फ सस्टेनेबल बना सकते हैं. अगर वो सेल्फ सस्टेनेबल हो, वो हमारे जो रूट्स है वो अगर अच्छे रहे ना, तो हम लोग सब जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं वो लोग ठीक रहेंगे.
नहीं तो आज जो माइग्रेंट इश्यूज हो रहा है, जो इतनी अवेलना हो रही है लोगों की, वो नहीं होती. इतनी दर्दनाक चीजें हो रही है इस कोविड में कि सच्चे में कभी कभी मैं देख नहीं पाती हूँ ये सारी चीजें. बहुत बहुत दर्द होता है. नहीं, सही बात, आपके साथ सहमत हूँ मैं कि आपने जो चीज बताई ना कि सेल्फ सस्टेनेबल, इनफैक्ट जो सरकार आज आत्मनिर्भर भारत की बात कर रही है वो कहीं ना कहीं ये बात को एंडोर्स करती है कि हर एक गांव यदि सेल्फ सस्टेनेबल हो तो शायद हमें ये आज माइग्रेंट्स की जो समस्या आज हम देख रहे हैं वो देखने की नौबत ही नहीं आती यदि लोगों को गाँव में अच्छी तरह से एक डिग्निटी के साथ काम मिलता है, रोजगार मिलता है, तो शहर तरफ आने की जो भीड़ है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. बहुत अच्छा लगा राजश्री आपकी ये सोच और आपकी एक सोशल निस्बत को देखते हुए. सबसे बड़ा एक मुझे बिफोर वी डिपार्ट हम मुझे पता है ना कि आप एक जब भी आप एज एन एक्ट्रेस आपके पास कोई सिनेमा या वेब सीरीज या किसी भी तरह से कोई रोल ऑफर होता है तो आफ्टर दिस सोशल वर्क आपने अपने अंदर में कोई ऐसा बदलाव महसूस किया है कि आपकी जो सिलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है, रोल का जो सिलेक्शन है, जो ऑफर्स आपके पास आते हैं उसको देखने का नजरिया आपका बदला है? आपने किस तरह से अपने अंदर कोई चेंज महसूस किया है? नहीं, बहुत ज्यादा. मुझे लगता है कि सिर्फ रोल चूज करने के लिए बदलाव नहीं आया है, जिंदगी को देखने का नजरिया बदल गया है. शायद मैं खुद सेल्फ सस्टेनेबल नहीं थी. मैं खुद एनवायरमेंटल कॉन्शियस या ह्यूमन लेवल पे मैं खुद भी इतनी मैं बहुत कमजोर थी. मैंने भी इतने लोगों के बारे में नहीं सोचा था. और मैं भी बहुत गलतियों से ही सीख रही हूँ और वो सीखना बहुत जरूरी है. मैंने भी बहुत डैमेज किया है मेरे एनवायरनमेंट को. मैंने भी बहुत गलतियां की हैं लोगों से बिहेवियर में. शायद मैंने भी लोगों की बातें नहीं सुनी थी उस वक्त. पर काम करते करते मैंने एहसास किया कि मैं जो मेरे जो एक्शंस है अगर उस पे मैं काम नहीं करूंगी तो मेरा काम करना व्यर्थ है, पूरी तरह से वेस्ट है. तो इसके लिए मुझे खुद को बदलना पड़ेगा, तभी मैं बाहर दुनिया के बारे में सोच सकती हूँ, दुनिया को सुन सकती हूँ. नहीं तो हमारे कान तो खुले हैं पर हम सुन नहीं रहे. हम हाँ तो बोल रहे हैं पर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लोग क्या बोल रहे हैं. और इसके लिए हमें खुद को अंदर से पूरा झिंझोड़ना पड़ेगा, उस चीज को समझना पड़ेगा, तभी हम लोगों की बातें सुन सकते हैं, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं लोगों के लिए. नेचर ने एक सबक सिखाया है हमको, हम उस सबने से सीखेंगे. आपने हमारे लिए आज समय निकाला और हमारे साथ, हमारे पाठकों दर्शकों के साथ बातचीत की. आई वंस अगेन आई थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू वेरी मच राजश्री. थैंक यू सो मच. थैंक यू.